Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 6. Now today we continue chapter 4, factors and multiples. And today we do exercise 4.5, part 3. Now see in the book. This is your maths book, maths of class 6. Now open exercise 4.5. See here, this is the exercise 4.5 and page number 47. And today we do question number 3. Now see what is written here. Find the LCM of these numbers by whole division method. Here we must find LCM of these numbers by whole division method. इनका हमें LCM निकालना है बच्चों whole division method से. इससे पहले हमने prime factorization method से LCM निकाला था और इससे पहले हमने most occurring factor method से LCM find किया था. अब हम इसमें भी हमें LCM ही find करना है, लेकिन हम third method पढ़ेंगे, whole division method. देखिए किस तरह से करेंगे. A part. Here, question number 3, A part. These are numbers 15, 18 and 30. इन numbers को हम देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से. ये comma लगाना है क्योंकि number अलग अलग हैं. पहले 15, then comma, 18, then comma, then 30. तो ये number हमने अलग अलग लिख लिए. अब हमें इनके prime factor निकालने हैं बच्चों यहाँ पर, लेकिन एक साथ निकालेंगे हम. अब हम यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में कौन सा नंबर डिवाइड होता है. 18 और 30 ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे. ये नहीं होगा बच्चों, तो इसे हम सेम इसी तरह से उतार लेंगे. इसे हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इसको ऐसे उतार लिया. 18 2 के टेबल से डिवाइड होता है, कितनी बार पढ़ेंगे, 9. इसके नीचे 9 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा दो. अब 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 15. अब फिर से देखिए 2 के टेबल में 3 नंबर में से कौन सा नंबर आता है, कोई नहीं, क्योंकि 15 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता और ये 15 है. अब हम आते हैं 3 के टेबल पर. 3 के टेबल में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं. 9 आता है और 15, ये दोनों आते हैं, तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे. अब 15 को के लिए कितनी बार पढ़ेंगे टेबल, 5. कॉमा लगा दो. अब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 बार टेबल पढ़ेंगे, फिर कॉमा. और 15 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, फिर ये 5 टाइम्स आ जाएगा. ये हमने डिवाइड कर दिया. अब देखिए 3 के टेबल में फिर से कोई नंबर आता है, यस, ये 3 3 के टेबल से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ फिर से 3 लिखेंगे. ये नहीं होगा, इसे हम इसी तरह से नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल भी सेम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर कॉमा. ये भी नहीं आता 3 के टेबल में, तो इसको हम इसी तरह से नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अब देखो बच्चों ये तो हो गया 1, ये क्या है 1, तो ये तो हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया. अब ये दो बचे हुए हैं. 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे. तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, कॉमा. ये तो 1 पहले से ही हो चुका है, फिर कॉमा, ये भी 1. देखो तीनों में नंबर 1 आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. तो ये क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स. अब हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम. क्या फाइंड करना है, एलसीएम. तो इसके नीचे ये हमारे देखो ज़्यादा स्पेस है, कोई बात नहीं, यहाँ आप लिखोगे एलसीएम इक्वल. अब ये जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, इन्हें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब इन सबका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 5 जा कितना होता है, 90. तो ये क्या हो गया हमारा, 90 हो गया हमारा एलसीएम. तो ये हमने होल डिवीज़न
मेथड से इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया 90। सो दिस इज द आंसर। तो इसी तरह आप, ये है हमारा डिवीजन मेथड। इसी तरह से आपको जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं सभी को एक साथ लिखना है और फिर इनके फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर। इसी का देखिए सेकंड, ये है, इसे भी हम देखिए यहाँ पे इस तरह से एक साथ डिवाइड करेंगे, इनको 50 लिखेंगे कॉमा, फिर 25, फिर कॉमा, देन 30। ये दूर दूर लिखना है बच्चों, मिक्स नहीं करना है। अब देखिए सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ें। 2 के टेबल से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 30। तो हम यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे, ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, इन दोनों को हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से नीचे लिख लो कॉमा। अब 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 15। अब देखिए इन तीनों में से 2 के टेबल से कोई डिवाइड होता है? नहीं। अब हम देखते हैं 3 का टेबल। 3 के टेबल में देखो कौन सा नंबर आता है? 15, ये दोनों आते हैं, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ। इसके लिए 5 टाइम्स कॉमा, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, इसे हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, फिर कॉमा, ये 5, 3 5 15, यहाँ 5 आ जाएगा। आप इनमें से देखिए 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? कोई नहीं आता, हम 3 को भी छोड़ देते हैं। अब 4 का तो टेबल हमें पढ़ना ही नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। अब पढ़ेंगे हम 5 का टेबल। देखो 5 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, ये तीनों नंबर आते हैं, तो यहाँ हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। ये 5 5 5 1 आ गया कॉमा, इसके लिए 5 टाइम्स पढ़ेंगे कॉमा, और ये 1 टाइम। अब जिसके नीचे 1 है इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कम्प्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ है तो इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 5 5 से ही डिवाइड होगा, तो अगेन हम यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे। इसके लिए ये ख़त्म हो चुका है, ये हो गया 1 और ये 1, तो सबके नीचे 1 हो गया। अब ये क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स, अब इनका हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल। अब ये लिखेंगे हम 2 × 3 × 5 × 5 इक्वल। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 एंड 6 5 30 एंड 35 150। दिस इज द एलसीएम। तो इसी तरह से आपको ये जितने भी नंबर्स हैं बच्चों यहाँ पे देखिए, इन सभी नंबर्स का एलसीएम आपको इसी तरह डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस।